premanjan churita bhakti vilochanena santaha sadev hridayeshu vilokayanti yam sham sundaram achintya guna swarupam govindavadi purusam tama aham bhajami. ये अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं उस गोविंद की कि हे गोविंद आपका हम भजन करते हैं, आपके परम प्रिय संत अपने भक्ति भरे नेत्रों में प्रेम का अंजन करके, प्रेम का सुरमा डाल करके अपने हृदय में स्थित आपके दर्शन नित्य ही किया करते हैं. प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप. हृदय में फिर देखते हैं जिस श्याम सुंदर के अचिंत्य चिंतन करने से परे गुण और स्वरूपों को, उनकी दिव्य दिव्यता को, दिव्य स्वरूप को. संतः सदैव हृदयेषु विल यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमाम. तो ये स्थिति कम से कम गीता के ज्ञान से पकड़ में आती है. गीता का जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो कहीं कहीं तो भगवान को देखेगा, सब सर्वत्र नहीं तो, लेकिन जिसने भगवान की सेवा की है या सेवा में रत है, सेवा में समाधिस्थ है, उसको आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार एक दिन समय आने पर अवश्य हो जाते हैं. फिर वो सर्वत्र भगवान को देखने लगता है. लेकिन कोई व्यक्ति सिंसियर हो, जिसको थोड़ी भी समझ हो, तो भगवान के इन उपदेशों से कम किसी का हृदय नहीं दुखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, किसी को सताए नहीं बहुत अच्छी बात है, किसी को मारे काटे नहीं बहुत अच्छी बात है. तो कुछ दया भाव भी प्रकट हो जाए इन उपदेशों से किसी के हृदय में, कि जब सर्वत्र भगवान सबके हृदय में समाये हुए हैं तो मैं ये संत महात्माओं को, सत्पुरुषों को और दूसरों को और पशुओं को और पक्षियों को, इनको सताने का मुझे कोई हक नहीं है, इतनी जानकारी हो जानी चाहिए. तो भगवान की कृपा प्रसाद उनको आगे खींचेगा, उनका हाथ पकड़ेगा, भगवान उनको रास्ता दिखलाएंगे, उनको एक शुद्ध भक्त से मिलाएंगे जिनसे पूर्ण ज्ञान प्रकाश, भक्ति प्रकाश, ज्ञान प्रकाश उनको मिले, जिससे वो भी एक दिन सिद्ध योगी हो जाए, जो भगवत आत्म साक्षात्कार कर लें, भगवत साक्षात्कार कर लें, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, ये संसार से मुक्त हो जाए. बहुत हो गया, बहुत जन्म बीते हैं माधव, अब तो ये जन्म मैं आपके हवाले करता हूं. ये रुचि, ये समझदारी किसी व्यक्ति में प्रकट हो जाए तो धन्य है, कि वो भगवान की शरण ले ले, भगवान को प्रणाम करके चले, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास, कोई कमी नहीं, उसकी कीर्ति का गान कीर्तन करे, उसके नाम का जप करे, ये सबसे बड़ी सफलता है जीवन की, कि भगवान की भक्ति करे. कलयुग में योग साधना, ध्यान योग के लिए सीक्रेट स्थान जिसमें अकेला बैठ सके ध्यानी बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं मिले तो भगवान तो अभी भक्ति योग की भी बात करेंगे,
सातवें अध्याय से ही अभी भक्ति के विषय में पदार्पण हो जाएगा। भगवान का अगला उपदेश भक्ति विशेष को ही दर्शाएगा, वो सबसे श्रेष्ठ भी है और सरल भी है। इतना भी सरल नहीं जो करना है, अभी भक्ति को जानी नहीं उनके लिए तो सरल नहीं है, लेकिन जो जान गए हैं उनके लिए बड़ी सरल सी बात है। भक्ति करना, प्रेम भरी सेवा करना, प्रभु से प्रेम करना। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है हृदय से, और प्रेम में कुछ उपहार भी भेंट करता है, फूल वगैरह पत्ती, ठीक वैसे ही भगवान की सेवा है। भगवान से प्रेम करो और भगवान की सेवा भी करो, दोनों कर्म करो, ये सबसे श्रेष्ठ कहा है भगवान। सर्वभूत स्थितम यो माम भजेते कत्वमा स्थितः सर्वता वर्तमानो अपि सहयोगी मय वर्तते। सर्वता सर्वभूत स्थितम यो माम भजेते कत्वमा स्थितः सर्वता वर्तमानो अपि सहयोगी मय वर्तते। जब सभी भूत प्राणियों में योगी भगवान को ही देखता है तो फिर उनके साथ जो व्यवहार करता है, जो लेन देन करता है, वो ऐसे ही करता है जैसे साक्षात्कार मुझसे ही कर रहा हो, भगवान से ही कर रहा हो, श्री कृष्ण से व्यवहार कर रहा हो। वो सुनाता भी है तो श्री कृष्ण को, सुनता भी है तो श्री कृष्ण को, कुछ देता है तो श्री कृष्ण को, लेता है तो श्री कृष्ण, कहता है तो श्री कृष्ण को, उसका व्यवहार सभी प्राणी मात्र के साथ ऐसे ही हो जाता है जैसे कोई भक्त साक्षात भगवान के सामने खड़ा होके भगवान से व्यवहार कर रहा हो। सर्वथा वर्तमानो अपि सहयोगी मयि वर्तते, वो मुझसे व्यवहार करता है। ऐसा व्यवहार करते हुए तो आप जो किसी को, पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, देवता को, देवी को कुछ अर्पण करते हो तो ये समझ के करना सीख लो कि ये सबके अंदर परमात्मा है, परमेश्वर है, मैं उनके ही साथ में ये व्यवहार कर रहा हूं। तब किसी को आप खिलाएंगे भोजन तो ऐसे ही खिलाइए, इतनी सम्मान से, इतनी आदर से, जैसे साक्षात्कार साक्षात भगवान आपके घर में आए हों और उनको आप भोजन करा रहे हो इतने भाव से, ये भाव दशा आपकी इतनी उठ जाए तो आप तो बड़े भक्त हैं, आपसे महान कोई है ही नहीं। ये भक्ति का एक रूप है। आप कितनी भाव से भक्ति में आगे प्रवेश करते हैं उतने ही भाव से भगवान भी आपको वैसे ही झलक देते हैं। कहा है ना तुलसीदास बाबा ने रामायण कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिम वैसी। जब राम गए थे अयोध्या, राम अयोध्यापति राम श्री राम जनकपुरी में विश्वामित्र जी के साथ, तो जनक के महलों में जो विशाल सभा आयोजित की गई उसमें जब उनका प्रवेश हुआ और जब अपने आसन पर विराजमान हुए श्री राम तो चोरों को चोर नजर आए, महाचोर, दुष्टों को दुष्ट नजर आए, पाखंडियों को महापाखंडी नजर आए, वीरों को महावीर नजर आए, जो सुंदरता पे बड़ा गर्व करते उनको अति सुंदर नजर आए, सारी सुंदरता उनकी, सारा गर्व सुंदरता का मिट्टी में मिल गया।
जो भक्त थे उनको भगवान के परमेश्वर के रूप में नजर आए। सीता माता को भी अपने पति के रूप में नजर आए कि वर है तो यही है, दूसरा मैं वर भरूंगी नहीं, वो ही प्रधान वर नजर आए प्रधानता में नजर आए कि इनकी प्रधानता मेरे हृदय में, वरूंगी तो इनको ही वरूंगी। तुलसीदास जी ने लिखा है बड़ा सुंदर, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। तो आपकी भावना कैसी है परमात्मा के प्रति, परमात्मा भी वैसा ही दर्शन देते हैं। परमात्मा को आप नकारते हैं तो परमात्मा आपको नकार देता है, छुट्टी हुई, अपने अपने रास्ते जाओ, परमात्मा को आपकी जरूरत नहीं, आपको परमात्मा की जरूरत नहीं, तो छुट्टी हुई दोनों ही की, दोनों तरफ से। आप अपना काम करो, जो कुछ करना चाहो। वो अपना काम करे, आपके लिए वो भगवान नहीं कोई, उनके लिए भी समझिए कि आप कहीं हिर गए, खो गए, अंश तो है उनके, लेकिन वो भी यही सोचते हैं कि खो गए मेरे अंश, मेरे संतान संसार के भोगों में खो गए, नरकों में जाने को उतारू हो गए, वो भी परवाह नहीं। जाकी यहां चाहना वाकी वहां चाहना, जाकी यहां चाहना वाकी वहां चाहे, जिसकी यहां आवश्यकता है उसकी वहां भी आवश्यकता है। जब आप इतने प्रिय बन जाएंगे संसार के कि सब संसार आपको यहां देखना चाहता है, सब गोदी में लेना चाहता है, तब आप भगवान के भी प्रिय बन जाएंगे, भगवान को भी आप चाह बढ़ जाएंगे। इतना सुंदर व्यक्ति, सारा विश्व प्रेम करता है, तो फिर इसके हृदय में कितना प्रेम है, भगवान भी उसको चाहता है। जिसकी यहां चाह नहीं, चोरों के उच्चकों की चाह नहीं है यहां, बेईमानों की बदमाशों की चाह नहीं है यहां, तो वहां भी चाह नहीं भगवान की। सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य को ही लोग पूजते हैं, सत्य की पूजा होती है, झूठे की नहीं, चोर डाकुओं की पूजा नहीं होती, संत महात्माओं की पूजा होती है, उसके प्यारों की पूजा होती है, उसकी पूजा होती है, वो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय कृष्टाकारिणी नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणी। वो सच्चिदानंद रूप है, उनका रूप, उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद शरीर है, भौतिक शरीर नहीं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टाकारिणी, अक्लिष्ट, क्लिष्ट यानी दुख, अक्लिष्ट यानी सुख, सुखों का कारण श्री कृष्ण और कोई नहीं, परमात्मा से जुड़े बिना किसी को सुख नहीं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टाकार, अक्लिष्ट यानी सुखों का कारण भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं, सच्चा सुख। नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षी,
गुरुवे बुद्धि साक्षिण नमो वेदांत वेदाय वेदांत के द्वारा जाने गए हैं राधा माधव। राधा माधव की जानकारी वेदांत के मार्फत से हुई है, जो वेदों का निष्कर्ष है। वेदांतियों ने जिनको मंथन किया है, जिन सूत्रों को, उनसे प्राप्ति हुई है राधा माधव की। नमो वेदांत वेद्या वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणी, जो प्रकाश में आ गए इस बात में, जिनकी बुद्धि में ये प्रकाश ज्ञान प्रकाश हो गया है कि कृष्ण ही परमपिता परमेश्वर है, वो धन्य है और वो ही साक्षी है इस बात के, गवाह है कि राधा माधव परमपिता परमेश्वर है। राधा माधव पूजनीय है, सुख के कारण है, आनंद के कारण है, और कोई जरिया नहीं, और कोई मार्ग नहीं जिससे आपको सुख मिले। तो भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। भगवान से तो जुड़े हुए हैं लेकिन भूल गए हम, बस उसको याद करना, रिश्ते को जो अनादि काल से बना चला आ रहा रिश्ता है कि हम अंश हैं और वो अंशी हैं हमारे, हम उनके पुत्र हैं, संतान हैं और वो हमारे पिता हैं, बीज पिता, अहम बीज प्रदाह पिता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चय मई पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितम मा यो माम भजेति एकत्व मा स्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मई वर्तते। तो आप भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए ये ज्ञान है कि भगवान सर्वत्र हैं, तो आप कभी कभी ऐसा व्यवहार करना सीखिए, चाहे अपने पुत्र संतान से, पत्नी से, माता से, पिता से, कभी कभी अपने अतिथि से, कोई पड़ोसी से, कोई अनजान से, कोई पक्षी से, कि जब आप कुछ आदान प्रदान करें तो इस तरह से प्रेम के साथ करें, प्रेम भरे हाथों से, प्रेम भरे दिल से आदान प्रदान करें। कोई वस्तु दें या लें, जैसे परमात्मा से व्यवहार कर रहे हो, किसी पक्षी को, चिड़ी को चुग्गा भी डाल रहे हो तो ऐसे डालिए जैसे परमात्मा को खिलाने के लिए आप कुछ अर्पण कर रहे हैं। किसी अतिथि को भोजन करवा रहे हैं तो ऐसी करवाइए जैसे साक्षात नारायण आपके घर में आ गए हों। इसका आनंद तो लीजिए, जिंदगी में आए हो कुछ आनंद तो लीजिए। कभी जीवन में ऐसा किया है कि कोई आपके घर आया और आपने बिल्कुल ऐसे समझा हो कि साक्षात्कार भगवान ही आ गए मेरे घर, आप गदगद हो गए हो और झुक करके प्रणाम कर दिए हो, झट से सुंदर आसन दे दिया हो, चरण धो दिए हो या पुष्पहार डाल दिया हो या सुंदर तस्मई दाल रोटी बना करके अर्पण की हो, हाथ जोड़ के विनय की कि भोग पाइए, भोजन कीजिए भगवान, हे मेरे प्रभु मैं धन्य हो गया आप मेरे घर में आए। कभी किसी से करके तो देखिए, सड़क पर जाते हैं कोई भिखारी मिलता है आंधा लंगड़ा तो दया करके दे देते हैं पैसा, ये समझ के कि बेचारा लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बुढ़ा है, चिथड़े हैं तन पे, पेट चिपक रहा है, भूखा होगा, चलो दे दो 8 आने रुपया खा लेगा कुछ। तो आप भिखारी को ही देते हैं,
देना अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन यदि वहां पर आपका भाव प्रकट हो जाए कि इसके हृदय में साक्षात्कार, साक्षात भगवान विराजमान है, परमात्मा बैठे हुए, मुझे बड़े सम्मान से जो भी कुछ देना है ऐसे ही देना चाहिए कि मैं परमात्मा को ही कुछ अर्पण कर रहा हूं, चाहे कोई फल हो, चाहे कोई फूल हो, चाहे कोई दौलत हो, चाहे कोई वस्त्र हो, कोई सुंदर नया वस्त्र किसी गरीब को, किसी भिखारी को दो, कभी देखिए उसका आनंद कितना है। ऐसा वस्त्र जो आपके परिवार में किसी को आप नहीं खरीद के लाए हो, उससे भी अच्छा क्वालिटी का रेशमी मुलायम वस्त्र किसी भिखारी को दान करो, जितना शीघ्र हो करो, भगवान को पहुंच जाएगा वो। भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मा। जो मेरा भक्त श्रद्धा से मुझे कोई पत्ता, तुलसी पत्ता, या कोई फल, या कोई फूल, या कोई जल अर्पण करता है, उसे मैं भक्ति के वश हुआ, उसके प्रेम भाव के वश हुआ, उसको खाता हूं, उसको स्वीकार करता हूं, तो आप भगवान को ढूंढने कहां जाओगे? इतनी क्षमता नहीं है अभी, तो आप कभी किसी को भी भगवान का स्वरूप समझते हुए ये व्यवहार करो, तो कम से कम एक भेंट तो भगवान को आपकी पहुंच गई, एक वस्तु तो भगवान ने आपकी स्वीकार कर ली, ये मानना। और ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द हैं कि भक्ति से, श्रद्धा से मुझे कोई जल भी अर्पण करे मैं स्वीकार करता हूं। तो किसी को जल पिला दो ये समझ के कि ये साक्षात भगवान है, तो आपकी विजय है और आपकी वस्तु विशेष भगवान स्वीकारते। यही भक्ति का कारण है, मार्ग है, ये भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा ये मत समझना कि आप मंदिर में चले गए बस वहां दीप जला दिया, या अपना नाम करने के लिए 10-20 ब्राह्मणों को खिला दिया पिला दिया, नहीं, किसी को भी खिलाओ, ब्राह्मण को खिलाओ, भिखारी को खिलाओ, पशु को खिलाओ, गधे को खिलाओ, खिलाने से फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव से फर्क पड़ता है, किस भाव से आपने खिलाया है। यो तो कभी कभी पत्नी भी गुस्से में रोटी बनाती है, आधी जली जला देती है और गुस्से में आपकी थाली में डाल देती है, बिना बोले खाओ या मत खाओ, इसमें कुछ मिला आपको या पत्नी को, दोनों को, केवल क्रोध के, वो क्रोध से भोजन बनाया, क्रोध से आपको खिला दिया, आपने क्रोधवश खा लिया, आपकी क्रोधमयी बुद्धि बन गई, क्रोध भीतर समा गया, अब ये फूटेगा कहीं, ये फूटे बिना नहीं रहेगा, ये ज्वालामुखी अंदर है शांत, लेकिन फूट गया नहीं। प्रेम का व्यवहार, प्रेम से बना हुआ भोजन, प्रेम से खाया गया भोजन प्रेममयी बुद्धि बनाता है, प्रेममयी भावना बनाता है, प्रेम ही ऊंची सगाई है, प्रेम प्रभु का स्वरूप है, लव इज गॉड। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे साथ ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो पशु के साथ करो, गरीब के साथ करो, भिखारी के साथ करो, जो भी व्यवहार, बोलना, चालना, देखना, देना ही नहीं, सब आ गए इसमें, व्यवहार आ गया आपका। वो कहते हैं कि जो सभी भूत प्राणियों में मुझे देखते हुए
मुझे ही बचता है, वो जो भी कुछ करता है वो मेरे साथ ही व्यवहार करता है। भजत्ते कत्तुम आस्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि सहयोगी मई वर्तते। ऐसा योगी, ऐसा प्रेमी मिलने का पिपाशु मेरे साथ ही व्यवहार करता है, क्योंकि मैं ही तो हूं इन सब प्राणियों के हृदय में। भारत में तो पेड़ों की पूजा करते हैं लोग, यही समझ के ही परमात्मा, पीपल में विष्णु भगवान है, तुलसी उनकी पटरानी है, आम की, आमला की इनकी पूजा करते हैं, ये समझते हुए कि परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में है, शक्तिवान है, शक्ति है। कहीं से भी शुरू करो परमात्मा वहीं पर है, लेकिन भाव नहीं है तो परमात्मा कभी सोचना नहीं कि मंदिर में बैठा है। वो तो जयपुर से मूर्ति आती है, पैसा देके कोई भी मंगा सकता है, परमात्मा ऐसे खरीद लो तो परमात्मा ही परमात्मा हो जाएंगे सबके घर में। मूर्तिकार वहां चांदपुर में खेजड़ों वालों का रास्ता, खजाना वालों का रास्ता, मूर्तियां घड़ते रहते हैं, ऊपर बैठ के छाती पे मूर्ति की पे बीड़ी चाय पीते रहते हैं, घटते रहते हैं, बना के रेडी कर देते हैं, पैसे दे के खरीद लो। मूर्ति में भगवान भाव नहीं है तो कहीं भी नहीं, भाव है तो कण कण में है, मूर्ति में भी है, मूर्ति के पुजारियों में भी है। मूर्ति को जो चुरा ले जाए उन चोरों में भी है, सर्वत्र है। बात है भावना की, आपके भाव जितने उज्जवल होंगे, प्रेम भरे होंगे, भक्ति भाव के होंगे, सेवा भाव के होंगे, उतने आप प्रभु को पहचानने में सक्षम होंगे।